नमस्कार दोस्तों, जीरो माइल किचन चैनल में आज फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चूड़ा के पोहा, वो भी ड्राई फ्रूट चूड़े के पोहा। तो आइए इस पोहे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देंगे। इसके बाद रखेंगे एक पैन, और पैन में मैं डालूंगी एक कटोरी ये चूड़ा। इसको एकदम कुरकुरे एंड क्रंची जो होती है ना, वो वाली फ्राई करनी है, जो इसको हम इस तरह से मसाले तो एकदम कुरकुरे बन जाए एंड टूट जाए, और थोड़ा सा इसमें कलर में भी चेंजेस आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि चूड़ा जले भी नहीं और अच्छे से एकदम गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए, हमारा चूड़ा जो है बिल्कुल फ्राई हो गया है और इसमें थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया होगा, आप लोग को दिख रहा है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई से सारे चूड़े को प्लेट में रख ली हूँ। अब चूड़े को साइड करती हूँ और अब मैं ड्राई फ्रूट को तेल में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो अब तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे मूँगफली। लगभग 50 ग्राम के करीब मूँगफली है हमारा, इसको अच्छे से एकदम भून लेंगे लाल। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे नारियल फ्राई कर लूँगी। नारियल भी मैं थोड़ा सा ली हूँ, इसको भी एकदम लाल फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा नारियल भी फ्राई हो गया, इसको भी उसी कटोरी में हम निकाल लेंगे जिसमें मैं मूँगफली को निकाली थी। अब मैं थोड़ा सा इसमें काजू फ्राई कर लूँगी, काजू की भी थोड़ा सा लाल फ्राई इसको भी कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारा काजू भी फ्राई हो गया है, उसी कटोरी में हम काजू को भी निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक आलू। आलू को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, जिस तरह से आप फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको एकदम लाल कुरकुरे इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मखाना का लावा हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि मखाना का लावा जो है काफ़ी तेल एब्जॉर्ब करता है, तो तेल थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं मखाना का लावा बाद में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, हमारा आलू जो है अच्छे से एकदम फ्राई हो गया है। तो अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो अब मैं आलू निकाल ली हूँ, अब इसमें मैं डाल दूँगी अपना ये मखाना का लावा। इसको भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, एकदम लाल एकदम कड़क वाला। तो ये देखिए, हमारा मखाना भी हाफ ड्राई हो गया है, और थोड़ा सा इसको करेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगे, यानी कि खाने में एकदम कुरकुरा लगे, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इस तरह से आप घर बैठे बनाइए, बरसात में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा मखाना का लावा जो है एकदम, ये भी बिल्कुल भून के रेडी हो गया है। इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हाँ बेटा, उठा लेंगे। सेम कढ़ाई लूँगी, उसमें डाल लूँगी थोड़ा सा ऑयल। पहले से ऑयल इसमें था, थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी। तो अब हमारा तेल जो है गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा राई। अब इसमें डाल दूँगी एक मिर्च, उसको तीन टुकड़े में कर ली हूँ। इसके बाद मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता आप इसमें खूब सारा डालिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। और सबको थोड़ा सा हम भून लेंगे। हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम की हूँ। कड़ी पत्ता भून जाने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी हल्दी। 10 से 20 सेकेंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपना ये सारा ड्राई फ्रूट्स, आलू और मखाना के लावा। सबको मिक्स करते हुए हम लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। वाइट नमक के साथ आप थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल दीजिए, ताकि इससे अच्छा फ्लेवर एंड खुशबू आता है, टेस्ट भी एकदम बढ़ जाता है। और सबको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दूँगी हाफ टी स्पून भुका हुआ चीनी। चीनी को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल दीजिए छोटा सा चम्मच से एक चम्मच आमचूर का पाउडर, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ तो हमारा फ्राई हुआ ही है, थोड़ा सा हम मसाले को बस फ्राई कर रहे हैं।
इसके बाद मैं डाल दूंगी अपना ये चूड़ा जो फ्राई करके रखी थी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा डालने के बाद हम एक मिनट को लो फ्लेम पे पका लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पोहा भी हमारा फ्राई हुआ ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई करेंगे ताकि सारे चीज़ हमारा जो है अच्छे से एकदम फ्राई हो जाए। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स का पोहा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप लोग कैसे पोहा बनाते हैं वो भी बताइएगा। तो ये हमारा पोहा बनके रेडी हो गया है एकदम गर्मा गर्म सर्व करने के लिए, और काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है। तो ये देखिए, हम आपको एक बार दिखा देती हूँ, मैं यहाँ गैस ऑफ कर दी हूँ। तो ये देखिए, तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह से मैं नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।